हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज की सुबह और बाकी सुबह में फ़र्क है। और सुबह मैं सोने जा रहा होता था इस टाइम पे, आज मैं सो के उठ चुका हूँ। इधर काफ़ी अच्छी हवा आ रही है भाई, मज़े आ गए। थोड़ी देर मज़े लेता हूँ हवा के। हाँ, किसी से खुली भी नहीं रही है, बट मैं तो कैमरा ऑन कर दिया। अच्छी थी नींद, डायरेक्ट अभी उठा। हाँ, बीच में उठ गया था मैं 2-3 बजे के समथिंग, फिर वापस सो गया। A few moments later, लोग तो तुम्हारा जिम टूर देता है। जनरली यहाँ पे एंट्री होती है तुम्हारी एंड एग्जिट की एंट्री इधर ही होती है। एंड जैसे चलो भाई, तो एक एक चीज़ के बारे में बता दें क्या क्या है इधर। बेसिकली उधर से तुम गेट से आओ तुम्हें यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी मशीन्स मिल जाती हैं जो तुम्हें एक्सरसाइज के लिए ज़रूरत होती है। कैंपस में आने के बाद जैसे रुके 4-5 महीने तो हम भी गए थे, उसके बाद हम सब कुछ छूट गए। बट ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह ही है तो एकदम लाइट ही नहीं है, ऑन नहीं कर रखी मैंने। तो मैं पीछे शुरू कर रहा हूँ। जनरली उधर गेट है एंट्री का, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो उधर कुछ रखे हैं डंबल्स वगैरह, उसके खेलने के लिए मैं बताती हूँ। बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट एंड उसके बाद में तुम्हारा वॉलीबॉल कोर्ट है। अब मैं इसमें तुम्हारे टेबल टेनिस का सेटअप लगा हुआ है। दैट्स इट। ओके, आई होप सो कि वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट शेयर फैलाओ। बात ये बात कब उठा, सोया ही नहीं। हेलो हर्ष, गुड मॉर्निंग। इधर देख के बोल, कैमरा ऑन है। क्या पढ़ रहा है? छिल्ली क्या तूने? देखो गाइस, चल दिखा, वो तो दिखा दे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या गया। बात अब मेरे को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट छाप लूँगा। इसने लॉजिक बता दिया क्या है। 2 बाइलूप लगाऊंगा, वर्जन टू कंपेयर कराऊंगा, उसके बाद में उनके बेस के बेस का कवर कर दूंगा और हो गया। वो दिखाइए बात अब, इसका वो खराब सबमिशन दिखा, एक्सेप्टेड वाला। ये कैसा हुआ, पहले TLE दूसरा रॉन्ग और तीसरा एक्सेप्टेड। जनरली ऐसा होना चाहिए, रॉन्ग TLE एक्सेप्टेड। कितना मेमोरी रन टाइम, अच्छा ही तो है। तू ये क्यों बोल रहा था और ऑप्टिमाइज हो सकता है, मतलब इतना बेकार नहीं है, 100% को बीट कर रहा है। वो दिखा रहा है ऐसा, लेकिन वो कोड ऑप्टिमल नहीं है। मतलब गाइस, मेरे को एक चीज और है इसकी बुरी, ये चूतिया कोड, ये इनका, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इनका ये खराब है, एरन टाइम गलत दिखाता है। अगर उसी कोड को मैं वापस सबमिट कर दूंगा तो कुछ और दिखाएगा। हाँ भाई, इसमें ज़्यादा इसके दुख दर्द देख के मुझे अच्छा लग रहा है, पढ़ने दो इसे। मेरी 7 दिन बाद एग्जाम है, नेक्स्ट एग्जाम कब है तेरी? अब तू ये बता, तू सोया कब? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। A few moments later. ये प्रॉब्लम इजी था तो पहले वो डन कर दिया, क्योंकि मेरे सेटअप पे धूप आ गई थी अच्छी खासी। तो पहले ब्रेकफास्ट करके आते हैं, उसके बाद में तब तक ये धूप चली जाएगी एंड फिर नीट कोड सॉल्व करेंगे। दैट्स इट।
दो बारी है तो मैं अब इसको लेके किसी दूसरे रूम में जा रहा हूँ एंड इस मोबाइल को चार्ज लगा रहा हूँ जिससे शूट कर रहा हूँ, देन बाकी आगे का दिखाता आज का। सो है गाइस दोस्तों, एंड हमारा थर्ड ईयर कंप्लीट होने वाला है, दो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, थ्योरी ऑफ कंपटीशन कंपाइलर डिजाइन, अभी दो एग्ज़ाम होते हैं क्रिप्टोग्राफी एंड मशीन लर्निंग, एंड वो है 7 दिन बाद। अच्छा खासा गैप है बट दोनों एग्ज़ाम टफ है, अगर 3 दिन का भी तुम दे रहे हो तो भी ईजी है, तो पढ़ रहे हैं साथ के साथ एंड वीडियो एडिट भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तो है बहुत सारा कंटेंट रिकॉर्ड करना है, घर जाने से पहले बहुत सारी वीडियो एडिटेड करनी है जिससे चैनल छुट्टियों में भी रेगुलर रहे, क्योंकि तब मैं घर पर आऊँगा, मे बी मैं कुछ अच्छा कॉलेज से रिजल्ट होता अगर बहुत अच्छे। तो है गाइस, आज का दिन तो वीडियो एडिटिंग के नाम पे चला गया पूरा, एंड तब से वीडियो एडिटिंग कर रहा है, अभी और भी वीडियो एडिट करनी है। ओके, तो अभी जस्ट नहाने आया हूँ, जस्ट नहाऊँगा उसके बाद मैं डिनर करूँगा एंड उसके बाद वापस से कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा बहुत कोडिंग भी करना है, काम है कुछ इम्पोर्टेंट वो करना है एंड उसके बाद में देखाते हैं सारी चीज़। तो अभी तो जस्ट पहले मैं नहा के आता हूँ, अभी तक मैं 4 ब्लॉग्स एडिट किया हूँगा क्योंकि बर्तन के टाइम पर कुछ भी एडिट नहीं कर पाया था, मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा था बीच बीच में जब भी टाइम मिल रहा था, चलो चलते हैं नहा के आते हैं उसके बाद मिलते हैं। ओके, A few moments later. क्या पढ़ रहा है ये? न्यूरल नेटवर्क। एक्चुअली मेरे पेपर खत्म है, इसका एक पेपर बच रहा है, उसके बाद में कब है सीधा? इस पेपर के बाद में इस पेपर कब है? नौ को। ये सॉन्ग अच्छा है, साइज सुनना इसे। याद अल्लाह जल्ला। ये मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मराठी सॉन्ग्स की, अच्छे सॉन्ग्स हैं, डू लिसन। मराठी सॉन्ग? हाँ अच्छे सॉन्ग हैं। तो मराठी समझ में आती है? मेरा दोस्त है प्रथमेश, वो मुझे सजेस्ट। अत्र को मराठी समझ आती है? थोड़ी थोड़ी, यस। कुछ भी वर्ड बोल के बता, मैं ये बोल के बता कि नहीं नहीं मैं बोल नहीं पाऊंगा पर मैं समझ मैं बताऊँ ना इसको मराठी में, इतना नहीं आया कि मराठी आ गया फिर तेरे को, मैं समझ पाऊंगा यार थोड़ा समझ आ जाता है। ये कोड क्या है बे? ये है कोड है फिजिक्स इन्फो न्यूरल नेटवर्क्स। रन करा कुछ आएगा अभी? हाँ, ये एक वेव है, साउंड वेव। देखो मेरा एक और दोस्त आया, ये है अनुभव चक्रवर्ती, बंगाल से है, कलकत्ता से। अनुभव जरा आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। ओए अनुभव, मेरे को एक डाउट है भैया, सामने से मछलियाँ गायब हो रही है धीरे धीरे, कसम से, और इसने बोला भी था मेरे को मछलियाँ कैसे गायब हो सकती है, सामने वाले रूम से मछलियाँ गायब हो रही है। तू अब तक नहीं देखा? अब तक भाई ये हॉस्टल में नहीं रहता ये किसी को। तू बताया अब खा जाएगा? ए पहले 2-3 बची हैं, 4 में से एक बची थी, फिर और लेके आया फिर गायब हो गई। चला खाने चला। A few moments later. क्या बोल रहा है? बोलियो अब, बोलियो अब, बोलना अब, बोलना अब, बोलना अभी जो बोल रहा था। क्या देखो पढ़ रहा है, मैकेनिकल वाले भी कोडिंग करते हैं वैसे, देख लो। करते हैं मैकेनिकल वाले कोडिंग? किस लैंग्वेज में? ये है मैटलैब। मैटलैब मुझे पाइथन आती है। कितनी हेलो प्रिंट कराने को आनंद ही कहते बाय द वे। उतना ही आता है मतलब, तू एग्री भी कर रहा है? ना ना ज्यादा। कितना आता है बता? बता लूप से इंटरमीडिएट के बीच वाला लेवल, अगर 0-1 के स्केल में बोलो तो 0.3। वैसे तू मुझे कोड करते हुए देखा है C++ देखा है ना, तो मेरी मेरे को मैं किस लेवल पे आता हूँ? 0.47 मतलब 0-1 के स्केल में। 0-1 का स्केल क्या है? प्रो का है, बन प्रो। फ्यू मिनट्स लेट क्या बात हुई, मुझे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी है, ड्राइव पे भी करनी है, डाउनलोड स्पीड इतनी, अपलोड स्पीड इतनी, कौन सा लॉजिक है भाई? अद यार देख, अभी ये अपलोड स्पीड भी घट गई, कुछ भी हो रहा, फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत इंटरनेट, बाद में अपलोड करूँगा छोड़ो।
थोड़ा मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ ये भी चल रहा है, गेम प्ले भी देख रहा हूँ, वीडियो एडिट भी कर रहा हूँ। तो वीडियो एडिट तो ईयरफोन लगा रखी है, बस इसको तो मैं जस्ट ऐसे ही देख रहा हूँ, जस्ट फॉर फन। ए फ्यू मिनट्स लेटर, तो अभी तो जस्ट मेरा जो प्रोजेक्ट था क्रिप्टोग्राफी का, वो इस पर डिप्लॉय किया, देख सकते हो फाइल थोड़ी देर पहले। एंड अभी थोड़ा कोडिंग का ही काम कर रहा हूँ, VS कोड इसको तो क्लोज करना है, डिप्लॉयड है ऑलरेडी। सो हाय गाइस, अभी बच चुके हैं 6 एंड आज तो भाई बहुत कुछ किया है मैंने, बहुत कुछ किया, मतलब डिनर किया, डिनर के बाद में 11 बजे के समथिंग तक मैं वीडियो एडिट किया, 2 या 3 घंटे तक वीडियो एडिट किया। उसके बाद में जस्ट मैं वीडियो एक्सपोर्ट पे लगा दिया एंड अपलोड भी करना था साइड बाई साइड में, और मैं ML पढ़ना, मशीन लर्निंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो आई गेस मैं 2-2.5 घंटे मशीन लर्निंग पढ़ाऊँगा, वीडियो भी एक्सपोर्ट हो रही थी साथ में और अपलोड लगा रखी थी यूट्यूब पर। एंड उसके बाद में थोड़ा मेरा वेब डेवलपमेंट का काम था, अपना जो काम चल रहा है उन चीज़ों पर काम कंटिन्यू किया मैंने। एंड उसके बाद में अभी सोने से जस्ट 1-1.5 घंटे पहले कुछ और चीज़ों पर भी रिसर्च कर रहा था, बताते कभी इन फ्यूचर। एंड आज तो लिंक्डइन पे कुछ बड़े लोगों को मैसेज किया, कुछ ज़्यादा ही बड़े लोग अगर रिप्लाई लाइक मैसेज अच्छे तरीके से किया है, रिप्लाई आना तो सही एक्सपेक्टेड है, तो देखते हैं अगर कुछ आता है तो बता दूँ। Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith.